वेलकम अगेन टू बायोलॉजी क्लासेस क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था उसमें हमने पढ़ा था कि 5 टाइप्स के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो चुके थे, RHBT करने दिए थे। ठीक है, मुनेरा हम लोग पहला पढ़ रहे थे जिसमें हमने बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस बहुत कुछ कर चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक, उसके फीचर्स। आज हम पढ़ेंगे कि किस बेसिस पे, शेप के बेसिस पे कैसे बैक्टीरिया को टाइप्स को डिवाइड किया गया है। देखिए, क्लास रॉड शेप्ड के बैक्टीरिया भी होते हैं, स्पेरिकल मतलब गोल गोल बैक्टीरिया भी होते हैं, कॉमा शेप के, कॉमा जैसे बनाते हो ना आप इंग्लिश में लिखते हो फिर कॉमा बनाते हो, तो कॉमा शेप के बैक्टीरिया भी होते हैं। फ्लैजिला मतलब, जिसमें फ्लैजिला का मतलब है पूंछ जैसा स्ट्रक्चर, जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो मूवमेंट में हेल्प करता है, इधर से उधर जाने में हेल्प करता है, तो फ्लैजिला लाइक इसमें जो फ्लैजिला शेप के बैक्टीरिया होते हैं वो भी अलग होते हैं। तो देखिए, रॉड शेप के जो बैक्टीरिया हैं कुछ रॉड जैसा स्ट्रक्चर होगा, जैसे आपको ये दिख रहा है रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे रॉड नहीं होती है, ट्यूबलाइट की रॉड होती है, उस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं रॉड के, उसी को रॉड शेप बैक्टीरिया कहा जाता है। और इनके नाम क्या है इस बैक्टीरिया के, इनका शेप रॉड की तरह होता है, इनका नाम होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्लास, इसको हमेशा याद रखिएगा, लैक्टिक से, लैक्टिक किसमें होता है, लैक्टिक एसिड मिल्क में होता है, मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है, तो ये मिल्क को कर्ड में बदलने का काम करते हैं। जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं मिल्क को दही में बदलने का काम कर देते हैं। अगर हम मिल्क में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को मिला देते हैं तो कर्ड बन जाता है, मतलब दही बन जाते हैं। स्पेरिकल शेप बैक्टीरिया, स्पेरिकल शेप बैक्टीरिया क्लास गोल गोल होते हैं, ये जो देख रहे हैं आप, इसके भी कई फॉर्म हैं क्लास। अगर ये सिंगल है मतलब सिंगुलर है तो इसे कोकस पढ़ेंगे, मतलब ये स्पेरिकल शेप के बैक्टीरिया होते हैं उनका नाम होता है कोकस। अगर ये सिंगल है मतलब एक है तो इसे कोकस बैक्टीरिया कहते हैं। अगर ये बहुत सारे हैं प्लूरल, मतलब बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं अलग अलग जगह पे, तो स्ट्रेप्टोकोकस कहेंगे। अगर ये दो हैं तो इन्हें डिप्लोकोकस कहेंगे। डिप्लोकोकस कॉज करते हैं निमोनिया को भी। डिप्लोकोकस अगर बैक्टीरिया किसी के शरीर में आ जाता है तो किसका कारण बन जाता है, निमोनिया का कारण बन जाता है, निमोनिया हो जाता है उसको, उस इंसान को। अगर ये एग्रीगेट गट्ठर के फॉर्म में है ये बैक्टीरिया जो स्पेरिकल वाले हैं जिनको आप कोकस कह रहे हो, अगर गट्ठर के फॉर्म में है तो इसे स्टेफलोकोकस पढ़ते हैं। ठीक है, इनके अलग अलग नाम है, फिर से सुन लीजिए। अगर ये सिंगल फॉर्म में है तो कोकस, दो फॉर्म में है तो डिप्लोकोकस, बहुत सारे हैं तो स्ट्रेप्टोकोकस, मतलब चेन के फॉर्म में है, चेन के फॉर्म में है तो स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, चेन के फॉर्म में है तो स्ट्रेप्टोकोकस, और बहुत सारे गट्ठर के फॉर्म में है तो स्टेफलोकोकस। अब देखिए, तीसरे वाले बैक्टीरिया के पास आते हैं जो कॉमा शेप्ड के होते हैं, कॉमा शेप को विब्रियो बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, विब्रियो बैक्टीरिया, इनका नाम है विब्रियो बैक्टीरिया, देख रहे हैं कॉमा शेप्ड के हैं, कुछ इस तरीके से ही दिखते हैं। लास्ट है आपका फ्लैजिलम बैक्टीरिया, फ्लैजिला शेप के बैक्टीरिया जो होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, सर्कल सर्कल आकार के, स्पायरल शेप के, इसीलिए इनका नाम होता है स्पायरुलिना, स्पायरुलिना बैक्टीरिया। इनमें फ्लैजिला, ये आप देख रहे हैं टेल लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो इनके एंडिंग में भी प्रेजेंट है, स्टार्टिंग में भी प्रेजेंट है, ये इनके लोकोमोशन पे हेल्प करता है। लोकोमोशन होता है एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट के लिए, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट के लिए इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। तो ये था क्लास कुछ टाइप्स आपके बैक्टीरिया के जो उनके शेप के बेसिस पे दिए गए हैं, रॉड शेप, स्पेरिकल शेप, कॉमा शेप, फ्लैजिला शेप। ठीक है, रॉड शेप देख लीजिए, फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। रॉड शेप में मैंने बताया रॉड शेप को लैक्टोबैसिलस कहते हैं जो मिल्क को कर्ड चेंज करने का काम करते हैं। स्पेरिकल गोल होते हैं, अगर एक होंगे तो कोकस, दो होंगे तो डिप्लोकोकस, और बहुत सारे होंगे मतलब चेन के शेप में होंगे स्ट्रेप्टोकोकस, और गट्ठर के फॉर्म में होंगे तो स्टेफलोकोकस। कॉमा शेप के बैक्टीरिया को आप विब्रियो बैक्टीरिया कहते हो। फ्लैजिला बैक्टीरिया को फ्लैजिला प्रेजेंट होता है जो मूवमेंट के लिए हेल्प होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। इसी ये स्पायरल मतलब सर्पिल आकार के होते हैं, तभी इनका नाम है स्पायरुलिना बैक्टीरिया। स्पायरलम भी लिखा रहता है, कहीं कहीं स्पायरिला भी लिखा रहता है, उससे कंफ्यूज मत होइएगा क्लास, इसका मतलब इसी बैक्टीरिया की बात हो रही है जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये थे आपके शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है जो आपकी 9th क्लास की बुक में है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट दिस वीडियो।